अलीबाग में पत्रकार उत्कर्ष समिति का पत्रकार दिवस कार्यक्रम, पुलिस अधीक्षक और सूचना अधिकारी ने किया मार्गदर्शन। पत्रकार उत्कर्ष समिति द्वारा अलीबाग में आयोजित पत्रकार दिवस कार्यक्रम में आज सूचना अधिकारी मनोज सानप और रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक अशोक धुते ने पत्रकारिता के महत्व का उल्लेख करते हुए इसे बेहद चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व बताया। उन्होंने कहा कि अखबारों से प्रारंभ हुई पत्रकारिता के आयाम बदल रहे हैं, अब टेलीविजन के साथ तमाम डिजिटल माध्यम भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पत्रकारिता का उद्देश्य न बदले, इसका ध्यान रखना जरूरी है। मीडिया कर्मियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए दोनों उच्च अधिकारियों ने पत्रकारिता की खामियों का भी जिक्र किया और उसमें सुधार का भी सुझाव दिया। आज जो पत्रकार दिन यहाँ पे साजरा हुआ है, उसके लिए रायगढ़ जिला पुलिस की तरफ से मैं सब पत्रकार लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जो पत्रकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है, अच्छी हो बुरी हो, या लोगों को अगर कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, अगर कोई आदमी पत्रकार के पास आता है और उसको न्याय मिलता है, तो उसके लिए जो विश्वास बनाए रखना है, वो विश्वास सब पत्रकार लोगों ने बनाए रखा है। कोई भी आदमी, गरीब तबके का आदमी आपके पास आता है उसके समस्या लेकर, और वो शासन के दरबार में आप बताते हो, उसका अगर समस्या का हल निकलता है, उसको जो समाधान मिलता है वो सबसे बड़ा समाधान है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। आखिर में सबको फिर से पत्रकार दिन की मैं बधाई देता हूँ और आगे काम करने के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विस्कार देसाई और जयंत धुलप ने बताया कि 6 जनवरी को आचार्य बालकृष्ण जांभेडकर ने दर्पण अखबार की शुरुआत क्यों की, ताकि आम जनों की पीड़ा और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। धुलप ने पत्रकारिता के नकारात्मक पहलुओं का हवाला देते हुए मीडिया कर्मियों को आत्मावलोकन करने का भी सुझाव दिया। आज के बाल छात्री जांभेडकर दिन हम 6 जनवरी को जो मनाते हैं, वो मनाना तो चाहिए, लेकिन ये बर्थडे जैसा मनाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो दिन है वो हर पत्रकार ने हमारी अपनी तरफ देख के, पीछे मुड़ के देखना है कि गए साल में मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, अच्छाई का परसेंटेज ज़्यादा है या बुराई का परसेंटेज ज़्यादा है। बुराई का परसेंटेज ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। बाई चांस कुछ मिस्टेक हुई होगी तो अगले साल में मुझे बदलना है और अच्छे से मेरे को काम करना है और सोसाइटी के साथ में मिलके जो सोसाइटी को मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको, किसी ने बोला नहीं है कि आप पत्रकार बनिए, तो आप बन चुके हैं, तो आपका जो रोल है तो वो सही ढंग से पॉजिटिवली आपको निभाना है। वही आगे साल के लिए आज के दिन में फिर एक बार दिमाग के लेके हम जब काम करना शुरू करेंगे तो काम अच्छा ही होगा। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पत्रकार उत्कर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मात्रे ने कहा कि समिति मीडिया कर्मियों को एकजुट करने और उनके उत्थान के लिए कार्य करती रहेगी। पत्रकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम आगे भी ऐसे उपक्रम चलाते रहेंगे। आज का दिन जो है, आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर जी जिन्होंने मराठी के क्षेत्र में 18 के दशक में पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस वक्त आज के जैसा क्लाइमेट नहीं था, उतनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने
अपना कार्य जारी रखा, समाज को जागरूक करना, समाज में जो बुराइयाँ थी वो बुराइयाँ को हटाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उस वक्त उठाए थे। जैसे कि उस वक्त जो था कि आज भी हम देखते हैं कि शादी उस वक्त बहुत जल्दी होती थी, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया। अगर पहले था कि पति मर गया तो उसको दूसरी शादी को अलाउड नहीं था, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। और ज़्यादातर काम था उनका कि समाज को जागरूक करना। आज हम देख रहे हैं कि पत्रकार लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। प्रिंट मीडिया में काम करना है तो आज के डेट में अपनी जेब से ही काम करना पड़ रहा है। तो इस कठिन परिस्थितियों में जो मेरे पत्रकार भाई काम कर रहे हैं उनको कुछ सपोर्ट मिले, उनके लिए हम एक पत्रकारिता अंग होने के नाते कुछ सहायता कर पाए, यही चाहते हैं। और इसी मकसद से पत्रकार उत्कर्ष समिति का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम में आदर्श पत्रकार और कोकणा चद्दर पर अखबार का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर टीवी वन इंडिया के एडिटर सुधीर शर्मा, एडवोकेट विजय पाटिल, समाज सेवक दीपक पाटिल, समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी लालचंद यादव, रूपा सिन्हा, राकेश खड़ारे, अविनाश मात्रे, वैभव पाटिल समेत तमाम पदाधिकारी और मीडियाकर्मी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।